the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं माइक को जो कि बार में दारू बेचने आया है, जिसमें बारटेंडर कहता है हमारे पास पहले से ही टकीला के 3 ब्रांड है, हमें चौथी ब्रांड की कोई जरूरत नहीं है। माइक कहता है मेरी ब्रांड ज्यादा अच्छी है और अगर मैं इस टकीला को किसी कस्टमर को बेच दूं तो क्या तुम मेरी टकीला को खरीदोगे? बारटेंडर कहता है हाँ। जिसके बाद वो बगल में ही बैठे एक शख्स से पूछता है क्या आपको टकीला पीना पसंद है? वो कहता है हाँ बिल्कुल। बारटेंडर कहता है बहानचोद, मैं जानता हूँ ये तेरा भाई डेव है क्योंकि ये बहान का लंड मेरी भांजी को डेट करता था। डेव कहता है मैं तेरी भांजी को नहीं जानता और अगर जानता भी हूँ तो वो बहुत चिपकू थी, मुझे उससे प्यार कम डर ज्यादा लगता था। बारटेंडर कहता है बहान के लंड ताश भी तो खेलते थे हम साथ में। अब बारटेंडर को उनका ये बोतल चिपकाने वाला आइडिया काफी अच्छा लगा, जिस पर वो उनसे कहता है ठीक है मैं तुम्हारी 10 बोतलें खरीद लूंगा, जिससे वो दोनों खुश हो जाते हैं कि चलो बोनी तो हुई। आगे वो दोनों उछलते उछलते अपने अपार्टमेंट पहुँचते हैं जहाँ पर उनकी मोम डैड, उनकी छोटी बहन सुई धागा और उसका मंगेतर काला जिराफ उनका इंतजार कर रहे थे। डैड कहते हैं हमें तुमसे कुछ बात करनी है सुई धागे और काले जिराफ की शादी के बारे में, और कहते हैं कई सालों से एक पैटर्न बन गया है, हमारी फैमिली फंक्शंस में सभी मजे कर रहे होते हैं, फंक्शन खूब अच्छा चल रहा होता है और फिर तुम दोनों आते हो अपना मुंह उठाकर लड़कियों पर लाइन मारने, जिससे पार्टी का नाश ही पीट जाता है। डेव कहता है एक ऐसा मौका बताइए जब हमने पार्टी खराब की हो। मोम डैड अपना आईपैड खोलते हैं और उनसे वाईफाई का पासवर्ड पूछते हैं। वो बोलते हैं बाबा भकलंड का बाबूराव 69, जिस पर उनका डैड कहता है बहन के लोड़ो तुम नहीं सुधरने वाले। हम वीडियो देखते हैं जिसमें उन्होंने पार्टी की माँ बहन एक कर दी थी, उन्होंने जलते हुए पटाखों के डब्बों पर लात मारी जिससे एक कैरावैन जलकर निस्तो नाबूत हो गई और पार्टी दहशत में बदल गई। फिर दादा और दादी जी की 50वीं एनिवर्सरी, जिसमें उन्होंने कमरे में धुआं ही धुआं कर रखा था जिससे दादाजी का सांस फूल गया और वो केक पर ही लुढ़क पड़े, जिससे उन्हें फटाफट हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। माइक गुस्से में खड़ा होता है और कहता है कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि दादाजी की मौत का जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि दादाजी की मौत उसके 5 साल बाद हुई थी। डैड कहते हैं हम तो बस यही चाहते हैं कि तुम लड़कियों के पीछे लट्टू होकर आवारा गधे ना बनो, इसीलिए तुम शादी में सिर्फ तभी आओगे जब तुम अपने साथ 2 लड़कियों को लेकर आओगे जो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स होंगी, अच्छी इज्जतदार स्मार्ट लड़कियां जो कि तुम्हें काबू में रखेंगी। जिस पर उनकी बहन सुई धागा बोलती है ये प्लान मेरा था ताकि तुम दोनों मेरी शादी खराब ना करो। वो कहते हैं हमारी प्यारी बहना अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा जरूर होगा, हम अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढकर ही लाएंगे चाहे हमें खड्डा खोदकर नरक से ही क्यों ना लानी पड़े। दूसरी तरफ हम देखते हैं चुम्मेश्वरी और चुतालिया को जो कि टोटल भंड है, इनके पास नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है और ये करती भी कुछ नहीं है, और तो और ये अव्वल नंबर की झूठी और चालाक किस्म की बेवड़ी लड़कियां हैं। अब चुतालिया परेशान थी और जब जब वो परेशान होती है तो वो अपनी शादी की वीडियो देखती है, जिसमें हमें पता चलता है कि जब वो शादी के लिए गई थी तब उसके होने वाले हस्बैंड ने कबूल है कि जगह कबूल नहीं है बोला था, जिस वजह से शादी टूट गई थी। चुम्मेश्वरी कहती है उसको कीड़े पड़े, उसके बाबूराव पर मधुमक्खी काट ले। चुतालिया सड़ी सी शक्ल बनाकर कहती है नहीं, उसका बाबूराव सूज जाएगा और वो फिर किसी की भी गुफा में नहीं जाएगा और मेरी गुफा तो वैसे भी बंजर है। जिस पर चुम्मेश्वरी कहती है हट बहन का लंड, वो मरे तो मर जाए हमें क्या घंटा फर्क पड़ता है, हम परेशान है और हमें चाहिए एक एडवेंचर, समझी ना तू। हम माइक और डेव को देखते हैं जो कि लड़कियों की खोज करने के लिए इंटरनेट की सहायता लेने का विचार बनाते हैं, जैसे कि match.com, tinder, shaadi.com, mailmilap.com, ghachaghach.com, puranidonailo.com, pinkybazaar.com, olxbechdo.com। तभी डेव माइक से पूछता है तुम्हें क्या लगता है ओएलएक्स पर हमें अच्छी लड़कियां मिलेंगी? माइक कहता है जिस सोफे पर मैं बैठा हूँ ये सोफा हमें ओएलएक्स पर ही मिला था और हमेशा तू यहीं पर हल्का होता है, याद है ना तुझे? जिसके बाद वो ओएलएक्स पर बड़ा चौड़ा पैराग्राफ लिखते हैं और गधों के ऊपर अपनी मुंडी चिपका कर ये
लिखकर कि उन्हें हवाई ट्रिप के लिए दो लड़कियां चाहिए उसे पोस्ट कर देते हैं। डेव कहता है, भाई यार मुझे लगता है कि इस एड का जवाब सिर्फ 5 या 6 लड़कियां ही देंगी। लेकिन देखते ही देखते पोस्ट वायरल हो जाती है और जो भी लड़की उस पोस्ट को देखती है उन दोनों को देखकर फिदा हो जाती है। आगे क्लब में वो सुंदर लड़कियों के इंटरव्यू लेते हैं जिसमें एक से बढ़कर एक चूतिया लड़की उनके पास आती है लेकिन वो सभी को फेल कर देते हैं। आगे उन दोनों को छपरी न्यूज चैनल पर बुलाया जाता है क्योंकि उन दोनों ने OLX नॉन डेटिंग साइट पर एक एड डाली थी दो लड़कियों को हवाई अपनी बहन की शादी में ले जाने के लिए, जिस पोस्ट का रिप्लाई 6000 से ज्यादा लड़कियों ने किया था जिस वजह से वो फेमस हो गए थे। अब ये न्यूज टीवी पर थी तो इसे वो दोनों भुक्कड़ चुम्बेश्वरी और चुतालिया देख लेती हैं कि अरे वाह फ्री की हवाई ट्रिप, और उन दोनों को वो दोनों काफी हॉट लगते हैं जिस वजह से वो दोनों खुश हो जाती हैं और उछल पड़ती हैं। लेकिन तभी वो आईने में अपनी खूबसूरती देखती हैं और कहती है उन दोनों को अच्छी लड़कियां चाहिए और हम दोनों कहीं से अच्छी नहीं लग रही, जिसमें वो ना जाने किस किस के कपड़े चुरा लाती है और उन्हें सील साल कर अपने साइज का बनाकर रेडी हो जाती है और पहुंच जाती है मुंह उठाकर उनसे मिलने, जहां पर चुतालिया चुम्बेश्वरी से पूछती है हमारी अपॉइंटमेंट कितने बजे की है। वो कहती है हमारी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है क्योंकि किस तरह की भुक्कड़ लड़कियां उस एड का जवाब देंगी, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड डिगर टाइप की, और हमें दिखाना है कि हम एक शरीफ घर की अच्छी लड़कियां हैं। आगे अब जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो चुम्बेश्वरी अपने किरदार में घुस जाती है जिसमें वो एक कार से जबरदस्ती टकराती है और वहीं ढेर हो जाती है। माइक दौड़कर उसके पास जाता है और उसे CPR देता है और वो ढोंगन जो कि ढोंग कर रही थी वो उठ जाती है। सभी लोग माइक के लिए तालियां बजाते हैं कि उसने बहाणचोद एक लड़की की जान बचा ली, जिसके बाद वही होता है जो वो चाहती थी, वो दोनों उन बेचारों के साथ होती हैं। चुम्बेश्वरी उन्हें बताती है कि वो एक स्कूल टीचर है, जो सुनकर माइक तो फिसल गिरता है क्योंकि उसका बाबूराव थोड़ा जल्दी काम करता है और वो एक ऐसी बंजर जमीन है जिसे काम वाली की छाया भी हरी भरी लगती है। देव चुतालिया से पूछता है अच्छा तुम्हारी दोस्त टीचर है तो तुम क्या करती हो। वो कहती है मैं शेयर मार्केट में डेड फंड संभालती हूँ। वो पूछता है ये बहाणचोद डेड फंड क्या होता है। वो कहती है डेड फंड होता है जिसे हम मार ही डालते हैं, जो सुनकर वो दोनों भाई आपस में कहते हैं बहाणचोद ये दोनों लड़कियां कितनी स्मार्ट है और इज्जतदार भी लगती हैं। चुतालिया डेव से पूछती है तुम क्या करते हो। वो कहता है मैं दारू बेचता हूँ अपने भाई के साथ, और उससे पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। वो कहती है नहीं मेरा बॉयफ्रेंड तो कब का मर गया मादरचोद। आगे वो बाहर एक दुकान पर फास्ट फूड खाते हैं जहाँ पर वो दोनों अपनी सेक्सी अदाएं उन पर फेंक रही थी, और ये दोनों भाई सोच रहे थे डगमगाई नाव रे कैसे देगी भाव रे, भाव दे तो हम कर दे पिछवाड़ा उनका लाल रे, और उनसे पूछते हैं क्या तुम दोनों हमारे साथ हवाई चलोगी हमारी बहन की शादी में, जिस पर वो दोनों नौटंकी करती हैं कुछ फुसफुसाने की ताकि उन दोनों लल्लुओं को लगे कि वो दोनों अपनी डिसीजन ले रही है, जिसके बाद वो कहती है चलो हवाई चलें। बस फिर क्या था अगले दिन हवाई जहाज उड़ पड़ती है हवाई के लिए और वो चारों पहुंच जाते हैं उस होटल में जहां पर डेस्टिनेशन वेडिंग होनी थी। चुम्बेश्वरी फलों की टोकरी के पास पहुंचती है और चुतालिया से कहती है माँ कसम ये जगह मस्त है। चुतालिया अपनी छोटी छोटी चूचियों में से कुछ छोटी छोटी गोलियां निकालती है और कहती है ये जगह अब और भी मस्त होने वाली है। चुम्बेश्वरी कहती है याद रखना हम शरीफ और इज्जतदार लड़कियां हैं, और वहीं पर रखे सेब संतरों को चुरा कर अपने बैग में डालने लगती है। हम उन दोनों भाइयों को देखते हैं जिसमें माइक जिसका बाबूराव चटकी में काम करता है वो कहता है भाई देखो तो सही मेरी वाली टीचर की क्या मस्त गाइंड है। अब चुम्बेश्वरी को पता था कि उसका माइक उस पर लट्टू है और उसे बजाना चाहता है, इसीलिए वो चुतालिया से कहती है मेरे वाले की तो मुंह से लार टपक रही है पर मैं उस चोमू को अपने पास भटकने भी नहीं दूंगी, वो सोचता है वो मुझे अपने साथ लाया है तो मैं उसका बिस्तर गर्म करूंगी, लेकिन मैं साले को इतना तड़पाऊंगी कि वो अपनी तड़प मिटाने के लिए अपनी मुट्ठ मारेगा। जिसके बाद वो चारों फटाफट नहा धोकर रेडी होकर पार्टी में पहुंचते हैं, जिनको देखकर वहां पर खड़े सभी लोगों की गाइंड में आग लग जाती है क्योंकि माइक और डेव अपने साथ दो पटाखा लड़कियों को लेकर आए थे। वो दोनों अपनी बहन सुई धागा से मिलते हैं और उन दोनों को अपनी बहन से मिलवाते हैं जिसको वो दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद आती है। आगे वो दोनों उन दोनों को अपनी मोम डैड से मिलवाते हैं और उन दोनों को भी वो लड़कियां बहुत पसंद आती है। रात में वो दोनों अपने रूम में होती है जहाँ पर वो भुक्कड़ गधों की तरह ठूस ठूस कर खा रही थी और गांजा फूक रही थी और नीली फिल्म देखने का प्लान बना रही थी, लेकिन तभी इतने में वहाँ पर माइक पहुंच जाता है जो कि चुम्बेश्वरी से कहता है हम दोनों को साथ में बैठकर पिक्चर देखनी चाहिए या हमें खुद की पिक्चर बनानी चाहिए। अंदर से चुतालिया चुम्बेश्वरी से बोलती है तुमने इस नीली फिल्म का नाम देखा पड़ोसी का कड़क माल। कड़क मतलब लकड़ी जितना कड़क या लोहे का सरिया जितना कड़क। माइक पूछता है क्या कड़क। तभी वो बात संभालते हुए कहती है वो नींद में बड़बड़ा रही है बेवली गैंड। जिस पर वो फिर से बोलती है इसके बाबूराव का साइज तो देखो ये इसका है या गधे का।
तुम जल्दी से अंदर आ जाओ नहीं तो मैं खुद ही शुरू हो जाऊंगी। माइक कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम नीली फिल्में देख रहे हो। वो कहती है नहीं 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 नहीं, जिसके बाद वो उसे एक तगड़ी वाली गोली देती है। कहती है मैं अपने स्कूल के बच्चों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही हूँ, और दरवाजा उसके मुंह पर मारकर चली जाती है। अगले दिन सभी कुछ एडवेंचर करने के लिए जुरासिक वर्ल्ड जाते हैं, जहाँ पर वो सभी एटीवी बाइक चलाते हैं और सभी बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन होता यह है कि सुई धागा और काला जिराफ दूसरी जगह पहुँच जाते हैं, और वहाँ तक पहुँचने के लिए उन चारों को एक खड्डे को और एक रैंप को पार करना पड़ेगा, जिस पर माइक कहता है ये जगह बहुत खतरनाक है, हमें घूम कर जाना पड़ेगा। चुतालिया कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर तुम नहीं जानते कि मैं खतरों की खिलाड़न हूँ। वो अपनी एटीवी में फुल रेस देती है और गड्ढे को कूद कर रैंप से छलांग लगाती है, और एक धासू सा स्टंट मारती है और स्किट मारकर अपनी एटीवी को रोकती है, जो देखकर उन दोनों भाइयों के तो छक्के छूट जाते हैं। फिर चुम्बेश्वरी भी फटाफट खड्डा कूदती है और रैंप से छलांग मारती है, जिसमें वो चुतालिया से भी बढ़िया वाला स्टंट दिखाती है, और स्किट मारकर अपनी एटीवी को चुतालिया के पास रोकती है, और वो दोनों भाई जिनकी पहले से फटी पड़ी थी उनकी और फट जाती है कि बहानचोद ये लड़कियां क्या पहले सर्कस में थी। आगे अब बारी उन दोनों की ही थी, जिसमें चुम्बेश्वरी माइक से कहती है चलो अब जल्दी से आ जाओ, देखते हैं हम तुम्हारी मर्दानगी को। वो कहता है नहीं मैं नहीं आऊंगा, मैं घूमकर ही आना पसंद करूंगा। चुम्बेश्वरी कहती है अगर तुमने ये किया तो मेरी घंटी ऑन हो जाएगी, जो सुनकर उसकी गांड का खड़ा बाल और खड़ा हो जाता है और वो कूद पड़ता है। लेकिन वो साला एटीवी को एंड बैंड बावली गैंड चला रहा था और उसकी स्पीड भी ज्यादा थी, जिससे होता यह है कि लैंड करते वक्त उसकी बहन एटीवी के पहिए की चपेट में आ जाती है और वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि सुई धागा का चेहरा बीड़ी की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों जैसा हो गया है। बाहर डैड उन दोनों भाइयों की क्लास लेते हैं और कहते हैं मुझे पता था कि तुम कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करोगे। माइक कहता है हमारी कोई गलती नहीं है, ये सारी गलतियां उन दोनों लड़कियों की हैं, वो साली दोनों की दोनों खिसकी हुई हैं। बाप कहता है वो लड़कियां कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम हो प्रॉब्लम। माइक कहता है हम वहाँ शौक से नहीं गए थे, हमारा प्लान था डॉल्फिन के साथ स्विमिंग करना और बैठकर केले खाना। आगे अपने माइंड को रिलैक्स करने सुई धागा मसाज करवाने जाती है, तभी चुतालिया भी वहाँ पहुँचती है और मसाजर की जेब में 50 का नोट रखते हुए कहती है वो मेरी फ्रेंड है और कल उसकी शादी होने वाली है, तो उसे मस्त रंगारंग वाली मसाज देना। वो कहता है ठीक है मैडम, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। जिसमें मसाजर सुई धागा को बॉडी टू बॉडी बहुत बढ़िया रगड़ता है, लेकिन वो उसके चमगादड़ को छूता तक नहीं। तभी माइक चुम्बेश्वरी को ढूंढता हुआ वहाँ पहुँचता है और मसाज रूम का दरवाजा खोलता है, और जब वो अपनी बहन को मसाज वाले के साथ देखता है तो वो ये समझता है कि मसाज वाले ने उसकी बहन को रगड़ दिया। आगे वो एक जगह पर शांति से बैठकर जूस पी रहा था, तभी चुम्बेश्वरी वहाँ पहुँचती है। माइक दौड़कर उसके पास जाता है और कहता है अरे बहन चोद, आज का कोटा पूरा हो गया या कहीं और जाकर उंगलियों की रास लीला खेलनी है तुम्हें। दरअसल माइक ने चुम्बेश्वरी को उसकी कजन बेबी को बेस पसंद है की गुफा में उंगलियां करते हुए देख लिया था, और ये सब उसने उस दौरान देखा था जब उसने अपनी बहन को मसाज वाले के साथ मसाज करवाते हुए देखा था। चुम्बेश्वरी कहती है छोटी सी बात का बतंगड़ मत बना। माइक कहता है मुझे लगता था कि हम दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है। चुम्बेश्वरी कहती है हाँ तुम्हें लगा था कि तुम मुझे अपने साथ हवाई ले जाओगे और मेरे साथ खूब घचाघच करोगे। माइक कहता है नहीं ऐसा नहीं है, पर तुम्हारी खुशबू कमाल है, तुम्हारा जिस्म बवाल है, तुम्हारे बाल धमाल है, तुम दिखती कमाल हो, हाँ मैं तुम्हें बजाना चाहता था। जिस पर अब वो उसे सच बता देती है कि हमें रिलैक्स करना था और हम दोनों ने तुम्हें टीवी पर देखा, और हाँ मैं कोई टीचर वगैरह भी नहीं हूँ। अब माइक जिसकी ये सब सुनकर फट चुकी थी वो पूछता है फिर वो झकोई नाम का बच्चा जिसे तुम पढ़ाती हो उसका क्या। वो कहती है उस नाम का कोई भी नहीं है, हालांकि मेरा झकोई नाम का एक बॉयफ्रेंड जरूर था जिसका घोड़े से कम भी नहीं था। माइक जिसका दिल टूट चुका है वो कहता है मुझे लगा था कि तुम क्रिस वाली प्रियंका चोपड़ा हो, पर तुम तो सात खून माफ वाली प्रियंका चोपड़ा निकली, और सड़ी सी शकल बनाकर वहाँ से चला जाता है। और चुम्बेश्वरी को भी एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। हम चुतालिया और डेव को देखते हैं जो कि पार्टी की जगह से थोड़ा सा दूर आ गए थे, जहां वो उससे कहती है कि मैं थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रही हूं, और ये सब मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से है। डेव कहता है वही ना जो प्लेन क्रैश में मर गया था। वो कहती है नहीं उसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने झूठ बोला था। जिस पर वो उसे अपनी शादी की वीडियो दिखाती है कि किस तरह से उसका बॉयफ्रेंड उसे शादी के मंडप से इनकार करके चला गया, जो देख और सुनकर डेव कहता है इससे अच्छा तो वो गंडमरी का प्लेन क्रैश में ही मर जाता, और पूछता है तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो कहती है मैंने सोचा कि कहीं तुम मुझे सेकंड हैंड ना सोचो। डेव कहता है नहीं मैं ऐसा कभी नहीं सोचता। वो कहती है तुम कितने अच्छे हो। डेव कहता है क्योंकि तुम भी अच्छी हो, जिसके बाद वो उसके कंधे पर सर रखती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो दोनों प्यार में हैं। तभी दूर से माइक डेव को अपने पास बुलाता
जाता है कुछ जरूरी बात करने के लिए और उससे कहता है भाई एक लाइन क्रॉस हो चुकी है, उन लड़कियों को यहाँ से जाना होगा क्योंकि उन लड़कियों ने हमारे साथ खिलवाड़ किया है ताकि वो फ्री में हवाई घूम सके। देव कहता है फिर क्या हुआ, उन्होंने झूठ कहा है तो? मैं अभी चुतालिया से बात कर रहा था और उसने मुझे सब कुछ बता दिया, हमें बस अपनी बहन की शादी पर फोकस करना है तो फालतू की चीजों पर ध्यान मत दो। आगे रात में पार्टी थी जहाँ चुतालिया सुई धागा को नशीली गोली देती है और खुद भी खाती है जिससे उन दोनों को भयंकर वाला नशा हो जाता है और माइक और डेव माइक लगाकर स्टेज के पीछे अपनी स्पीच की तैयारी करने जाते हैं जहाँ पर गलती से वो दोनों चूतिया अपने माइक को खुला छोड़ देते हैं जिसकी वजह से उनकी आवाजें सभी को सुनने लगती है, जिसमें माइक डेव को बताता है कि उसने चुम्बेश्वरी को उनकी कजन सिस्टर बेबी को बेस पसंद है कि गुफा में उंगलियां करते हुए देखा और तो और उसने अपनी बहन सुई धागा को मसाज वाले के साथ रंगारंग करते हुए देखा। जो सब सुनकर काला जिराफ भड़क जाता है और वो दोनों लड़ते झगड़ते स्टेज पर पहुंचते हैं और अब तक सारा का सारा मामला खराब हो चुका था, उन्होंने एक और फंक्शन की कहकर ले ली थी। हम सुई धागा को देखते हैं जो कि ड्रग्स के नशे में धुत थी, वो काले जिराफ से मिलती है जो कि गुस्से में था, वो उससे पूछता है क्या तुम्हें उस मसाज वाले के साथ मजे आए, वो कहती है मैं सिर्फ मसाज करवा रही थी। वो फिर से पूछता है हाँ या ना में जवाब दो मुझे, मजा आया या नहीं तुम्हें। अब इस बहन के लोड़े को कौन समझाए कि मजा किसी का गुलाम नहीं है, आने को तो वो मूतने में भी आ जाए और ना आने को तो वो साला घचाघच करने में भी ना आए, जिस पर वो कहती है हाँ मुझे मजे आए थे और उससे नशे में कह देती है कि मुझे तुम बोरिंग लगते हो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, जबकि ये सब तो काले जिराफ को उससे कहना चाहिए था वो मसाज वाली बात सुनकर। साला यहाँ तो कहानी ही उल्टी चल रही है। तभी चुतालिया डेव से कहती है नहीं उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नशे में है, उसे नहीं पता कि वो क्या बोल रही है। डेव उससे कहता है तुम्हारी गलती है, तुमने उसे ड्रग्स दी थी, तुमने उसे बिगाड़ा है, हर चीज की एक हद होती है, तुमने मेरा दिल बहुत 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 ज्यादा दुखाया है। आगे सभी पैकिंग करके वापस जाने की तैयारी करते हैं क्योंकि शादी रद्द हो चुकी थी, लेकिन तभी चुम्बेश्वरी और चुतालिया फैसला करती है कि वो शादी टूटने नहीं देंगी और माइक और डेव भी फैसला करते हैं कि वो अपनी बहना की शादी कराकर ही रहेंगे, जिसमें वो चारों दौड़ते हुए काले जिराफ और सुई धागा के रूम में पहुंचते हैं और कहते हैं हमारी गलती है, हमारी गलती है, हमारी गलती है, हमारी गलती है। कालिया को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है बहन के लोड़ो अपना मुंह बंद करो, तुम्हारी वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है, और वो सुई धागा से कहता है तुमने कहा था ना कि मैं बोरिंग हूँ, तो ये देखो ये रही हॉट एयर बैलून की टिकटें जहाँ तुम जाना चाहती थी, मैंने तुम्हारे लिए ये सरप्राइज रखा था पर इन गधों की वजह से ये स्पॉइल हो गया। सुई धागा उससे सॉरी बोलती है और कहती है यकीन मानो उस मसाज वाले ने मेरी तिजोरी को हाथ तक नहीं लगाया, जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं और तुरंत ही शादी करने का फैसला करते हैं, लेकिन वेंडर ने शादी कैंसिल कर दी थी और होटल उन्हें अब यहाँ पर शादी करने की इजाजत नहीं देता, जिसके बाद देव और चुतालिया एक ट्रक वाले के पास पहुँचते हैं और कहते हैं हमें तुम्हारा ये भोजनालय वाला ट्रक चाहिए, 100 लोगों को खाना खिलाना है। माइक और चुम्बेश्वरी होटल वाले के पास पहुँचते हैं और कहते हैं हमें यहाँ पर शादी करने दो, लेकिन होटल वाले उन्हें मना कर देते हैं क्योंकि सारे अरेंजमेंट कैंसिल हो चुके थे। माइक कहता है तुम हमें शादी तब भी नहीं करने दोगे जब मैं कहूँ कि मैं अगले 5 सालों तक तुम्हें होलसेल रेट पर दारू दूंगा। होटल वाला कहता है डील डन हुई, तुम शादी कर सकते हो, जिसके बाद फटाफट शादी के सारे अरेंजमेंट किए जाते हैं और उन दोनों की फटाफट शादी करवाई जाती है। माइक खाने की डिश देखता है जो कि साली दिल की शेप में थी और काफी अच्छी लग रही थी, जिस पर वो चुम्बेश्वरी से कहता है इतने अच्छे आइडिया तुम सोच कैसे लेती हो, वो कहती है मैं अपनी पिछली जॉब में सिर्फ सोचती ही तो रहती थी। माइक कहता है फिर ठीक है मुझे अपने दारू के धंधे में एक पार्टनर चाहिए, तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकती हो। वो कहती है क्या सच में, जिसमें वो उससे पूछता है तुम्हें दारू की कितनी जानकारी है, वो कहती है वो टेस्टी होती है और मुझे बहुत पसंद है, जिस पर माइक कहता है अरे पगली तुम तो जरूरत से ज्यादा जानती हो, नौकरी तुम्हारी हुई। वो पूछती है तो कब से शुरू कर सकते हैं, वो कहता है अभी से कर सकती हो पर एक बात बता दूं रात में कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। चुम्बेश्वरी कहती है ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, साथ में काम करना है तो प्रोफेशनल रहेंगे। माइक पूछता है क्या थोड़ा सा चांस है, वो कहती है क्या पता। चुतालिया भी अब ये शादी करवा कर खुश थी इसीलिए वो अपने फोन से अपनी शादी की वीडियो डिलीट कर देती है। डेव उसके पास आता है और वो दोनों किस करते हैं। रात में वो दोनों भाई अपनी बहन के लिए एक बहुत ही धासू स्पीच देते हैं और डांस करते हैं, जिसके बाद पटाखे जलाए जाते हैं जिन्हें देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन वो दोनों सभी को ये बताना भूल गए थे कि वो पटाखे चाइनीज हैं, जिस वजह से होता ये है कि पटाखे बहान के लंड इधर उधर घुसने लगते हैं। वो डब्बे से ऐसे निकल रहे थे जैसे रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट निकलते हैं।
जिससे भगदड़ मच जाती है और आग लगनी शुरू हो जाती है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि उन दोनों ने फिर से सब कुछ बर्बाद कर दिया। आखिरी सीन में हम देखते हैं चुम्बेश्वरी ने आखिरकार माइक को अपनी दे ही दी, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।